में भारतीय रिजर्व बैंक ने सो लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर बैन कर दिया। अगर दोस्तों आपका पैसा हो तो निकाल लेना भाई साहब, यह बैंक बंद होने वाली है, बैन कर दिया है, सील कर दिया है इसको। उसका नाम पूछूं आपसे, पेटीएम। सो पेटीएम पेमेंट बैंक, जो पेमेंट बैंक है उसको किया है ना, पेटीएम पेमेंट बैंक। कहीं कहीं से मिल जाएगा आपको, पेटीएम होगा बंद ऐसा मिलेगा ना, ऐसा नहीं रसगुल्ला। पेटीएम जो पेमेंट जो बैंक है आपके, जहां दोस्तों आपके लेन देन करता है, आपके जहां से डिपॉजिट करता है, जमा आपने कोई पैसा दिया जमा कर लेगा, वो पेटीएम पेमेंट बैंक। बैंक का मतलब जहां डिपॉजिट करते हो, जहां दोस्तों आपके जहां लेन देन करते हो आपके, कौन सा है वो है आपका बैंक, वो है पेमेंट बैंक। ठीक है, इसको अभी दोस्तों हाल ही में इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया, बैन कर दिया ना, उसको बैन कर दिया है। ये भी आपको छापना है, आरबीआई इसको बैन कर चुकी है दोस्तों। और 29 फरवरी मतलब कि फरवरी का अंतिम दिन आपके इसके लिए अंतिम दिन होने वाला है। ठीक है, 29 फरवरी 24 पूछूं आपसे, इसका अंतिम दिन होने वाला है, इस दिन तक ये बंद होनी चाहिए। गौर आपके आरबीआई ने बोल दिया है 29 फरवरी से पहले इसको बंद करना पड़ेगा दोस्तों, सारी जमा लेन देन इसकी कोई भी अनुमति यहां पर नहीं मिलने वाली। लिखना इसके बाद लेन देन सो और डिपॉजिट जमा जो है इसकी अनुमति नहीं मिलने वाली है, इसका तो कोई भी ट्रांजेक्शन यहां पर नहीं होने वाला है, छापना ऐसा लिख कर दिया। यह तारीख इसकी अंतिम तारीख होने वाली है, जो भी रसगुल्ला लेन देन करना है वो इससे पहले कर लीजिएगा, किसी को देना है तो दे दीजिए, किसी से लेना ले लीजिए, कुछ भी करना है, क्रेडिट डेबिट जो करना है कर लो इससे पहले, इसके बाद में कोई भी लेन देन नहीं होगा, कोई भी डिपॉजिट यहां पर नहीं होने वाला, इसके बाद में तय हो चुका है। ठीक है, इसकी स्थापना जो आपके 17 में इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों यह लगातार आपके गैर अनुपालन मतलब जो आरबीआई जो गाइडलाइन है उनकी पालना नहीं कर रहा था, इसलिए दोस्तों अभी हाल ही में आरबीआई ने क्या कर दिया, इसको बैंक को बैन कर दिया है, बैंड कर दिया, उसने बोला भाई बैन करते हैं इसको। और ये इसकी तारीख तय हो चुकी है, आपके अंतिम तारीख जो है वो तय हो चुकी है, इसके बाद में कोई भी लेन देन जो है वो यहां पर नहीं होने वाला। दोस्तों अगर कभी सवाल पूछूं भाई साहब किस दोस्तों धारा के द्वारा बैन हुआ आपके, तो धारा आपके 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, लिख लो इसको ना, लिखना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है इसकी, लिखना इसकी धारा 35A जो है उसके द्वारा बैन किया ना, इसके द्वारा छापना बैन किया किसको, पेटीएम पेमेंट बैंक है उसको बैन किया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 35A के द्वारा बैन किया है। ठीक है, हमारा आंसर पेटीएम पेमेंट बैंक ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, बाकी जो यहां पर लिखा हुआ आपके सामने पेटीएम पेमेंट बैंक बैन कर दिया आरबीआई के द्वारा ना, आगे बढ़िए।